हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश पीईटी परीक्षा तिथि की घोषणा कल हुई थी। मुख्यमंत्री के साथ भर्ती बोर्डों के आयोगों के अध्यक्ष की जो बैठक हुई थी, उसके बाद पीईटी की तिथि की घोषणा हो गई थी। 19 अगस्त को परीक्षा कराई जानी थी प्रदेश के सभी 75 जिलों में, लेकिन 19 तारीख को मुहर्रम होने के बाद में तिथि में बदलाव किया गया है। उम्मीद है कि अब ये परीक्षा 20 या 21 अगस्त को कराई जाएगी। सभी 75 जिलों में परीक्षा कराए जाने की योजना है। कुल मिला के 75,000 पद यूपी सरकार का दावा है कि हम भरेंगे दिसंबर तक। तो चलिए खबर को हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी में 74,000 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। चुनाव से पहले युवा बेरोजगारों को खुश करने के लिए बड़ा दांव। 30,000 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, इसमें पहले 50,000 था, फिर 40,000 हुआ, अब 30,000 आ गया है। और 27,000 माध्यमिक शिक्षा में और 17,000 उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में। तो यहाँ पर आप देखिए, बड़ी परीक्षाएँ मंडल और छोटा जिला स्तर पर कराएँ। प्रदेश सरकार ने 74,000 रिक्त पदों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चयन और भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग यूपी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी, उच्चतर व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक में सीएम योगी ने विभिन्न पदों में होने वाली भर्तियों की कार्य योजना की जानकारी ली। बताया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 30,000, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग 17,000 और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 17,000 पदों पर भर्तियां करेगा। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की मुहिम तेज करने जा रही है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 19 अगस्त को होनी थी, जिसमें अब बदलाव किया गया है, जिसमें 20,73,540 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि सभी जिलों में परीक्षा 2 पालियों में होगी और अक्टूबर तक 25,000 से 30,000 पदों के लिए मुख्य परीक्षा हो सकती है। यहाँ पे देखिए, पीईटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में, पहले 19 अगस्त को घोषित थी परीक्षा की तिथि, मुहर्रम के चलते नई तारीख की घोषणा जल्द। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कराई जाएगी। पहले यह परीक्षा 19 अगस्त को कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन 19 अगस्त को मुहर्रम की वजह से इसको टाल दिया गया है। इसलिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इस परीक्षा का तिथि घोषित की जाएगी। पहले शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के साथ अध्यक्षों बोर्डों की मीटिंग थी, जिसमें 19 को मंजूरी दी गई थी। चेयरमैन ने बताया कि पीईटी की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में होगी। बड़ी संख्या में आवेदक होने की वजह से 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। इसमें 20,73,540 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चूँकि लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी, इसलिए पत्र की कठिनाई का स्तर समान रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया गया है। नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया आयोग पहले ही जारी किया जाएगा। 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 1/4 माइनस मार्किंग होगी। बताया जा रहा है कि आयोग 14 अगस्त या उसके बाद कभी भी लिखित परीक्षा के लिए तैयारी करने की बात की। 15 अगस्त और 22 अगस्त को रक्षाबंधन है। 19 को पीईटी की मंजूरी दी थी और 25,000 से 30,000 पदों की मुख्य परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। फिर से वही खबर है, विभिन्न अखबारों में छाई हुई है कि 20,73,540 अभ्यर्थी बैठेंगे, 19 तारीख को परीक्षा होनी थी जो कि अब टल गई है, बाकी सारी कहानी वही है, 25,000 से 30,000 पदों पर भर्ती होगी, बाकी और भर्तियां कब होंगी किसी को कुछ नहीं पता है। तो ये रही अपडेट आप सभी के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।